तो फाइनली मैं बैठ गया हूँ टाटा पंच के अंदर एंड अब मैं आपको करके बताता हूँ ड्राइव। तो इस वक्त हमारे सामने इस वक्त हाईवे है, आगे सिटी भी आएगी थोड़ी सी, तो वहाँ भी आपको दोनों कंडीशंस में पता चल जाएगा। तो करते हैं स्टार्ट। तो एंड नाउ आई एम पुटिंग इट इन फर्स्ट गियर। तो जैसे कि देख सकते हैं पिकअप जो है कार की काफ़ी अच्छी है। तो सबसे पहले बात करते हैं गाड़ी की कुछ स्पेसिफिकेशंस की एंड मैं आपको सबसे पहले इंजन का बता देता हूँ। तो टाटा पंच में आपको 1200 सीसी का इंजन आ जाता है। टाटा पंच का आप कोई भी मॉडल लेंगे उसमें आपको 1200 सीसी का इंजन ही प्रोवाइड होगा। एंड इसकी अगर पावर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 86 bhp की जो मैक्सिमम पावर होती है वो देखने को मिल जाती है। एंड अगर इसके टॉर्क की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 113 न्यूटन मीटर का जो मैक्सिमम टॉर्क होता है वो देखने को मिल जाता है। एंड गाड़ी की अगर हम ग्राउंड क्लियरेंस की बात की जाए तो जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें आपको 187 mm की ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिल जाती है। टाटा की जो नेक्सॉन होती है उसमें आपको अभी तक फिलहाल 209 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बट इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी 187 अच्छी है, नॉर्मल एवरेज लेवल पे ही देखी जाती है। तो इस वक्त हम हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, जैसे कि देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है एक्सपीरियंस, आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होने वाला है यहाँ पे। एंड जब आप चलाते हैं कभी कभी होता है ना स्टेयरिंग टिल्ट करने लगता है, मुझे बहुत सारे बंदों ने कमेंट्स किया कि जब हम गाड़ी चलाते हैं हाईवे पे आप मुझे बताइए कि स्टेयरिंग कैसा है, एडजस्टमेंट कैसी है, आगे की विजिबिलिटी कैसी है। तो विजिबिलिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा इससे। स्टेयरिंग व्हील्स की बात की जाए तो यहाँ पर आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील देखने को मिल जाता है, बट अगर आप इसका जो थोड़ा सा नीचे वेरिएंट लेंगे तो उसमें आपको लेदर रैप नहीं देखने को मिलेगा, बाद में जाके आप लगा सकते हैं। एंड स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों में देखने को मिल जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड आपको यहाँ पे कॉल रिसीविंग कॉल डिक्लाइन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, वॉइस कमांड का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, इसका आप जैसे कि देख सकते हैं ऊपर लगा हुआ है। एंड ये आपको 4 स्पीकर्स के साथ आती है विद 2 ट्वीटर्स, तो बाद में चाहे आप और भी स्पेस होती है वो और भी लगा सकते हैं। एंड स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आपको टिल्ट का ऑप्शन अवेलेबल हो जाता है, बट यहाँ पे आपको टेलीस्कोपिक का ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है। तो विजिबिलिटी आप देख सकते हैं कॉर्नर टू कॉर्नर अच्छी खासी दिख रही है। बात की जाए गाड़ी की टर्निंग रेडियस की तो यहाँ पे आपको 5.1 मीटर का जो टर्निंग रेडियस होता है वो देखने को मिल जाता है। तो इस वक्त आपको गाड़ी की जो पावर होती है वो देखने को मिल रही है। एंड इसकी इंजन नॉइस की बात की जाए इस वक्त जो चारों के चारों विंडोज़ ओपन हैं एंड आप सुन ही सकते हैं कि इसकी इंजन नॉइस कैसी है फिलहाल के लिए। तो कोई एंड अगर इस कार की सेफ्टी की बात की जाए तो यहाँ पे आपको 5-star की सेफ्टी रेटिंग के साथ ये मिल जाती है। टाटा की जो मोस्टली कार्स होती हैं वो आपको सेफेस्ट कार ही देखने को मिल रही है, जैसे कि नेक्सॉन भी है, हैरियर भी अब हो रही है एंड पंच भी है। तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है हाईवे का भी। एंड इंजन का मैंने आपको बता दिया सारा। एंड अगर वारंटीज़ की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो किलोमीटर्स के हिसाब से अगर वारंटी है तो वह यहाँ पे आपको 75,000 तक देखने को मिल जाएगी एंड 2 years की वारंटी है। इसमें आपको 7 inches की टच स्क्रीन देखने को मिल जाती है हार्मन कार्डन की, तो इसमें भी आपको बहुत सारे कंट्रोल्स होंगे वो देखने को मिल जाएंगे। एंड इसके नीचे की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल्स जो AC होंगे वो देखने को मिलेंगे, ये आपको टॉप वेरिएंट में देखने को मिलेंगे। तो जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे इस वक्त मैं चला रहा हूँ क्रिएटिव 1.2। एंड कलर्स की अगर बात की जाए तो कलर्स इसमें आपको 7 कलर्स अवेलेबल हो जाते हैं। आप मुझे अपना फेवरेट कलर्स मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। तो अगर मेरे फेवरेट कलर की बात की जाए तो मेरा फेवरेट कलर मिस्ट कलर है। तो इसमें आपको और भी बहुत सारे कलर्स देखने को मिल रहे हैं, मैंने अपने पीछे भी वीडियोस डाली हैं, उसमें भी आपको रेड कलर देखने को मिल जाएगा, वाइट कलर भी देखने को मिल जाएगा, मिस्ट जब भी आता है अवेलेबल होता है मैं उसकी भी वीडियो शेयर ज़रूर करूँगा। एंड गाइस अगर सीट्स की बात की जाए तो जो को पैसेंजर साइड सीट है वो आपको यहाँ पे 6-way मैनुअल देखने को मिल रही है एंड जो ड्राइवर साइड सीट है वो आपको 8-way मैनुअल देखने को मिल रही है। ड्राइवर साइड सीट में आपको एक फ़ायदा है, इसमें आपको हाइट एडजस्टेबल है, तो जो भी बंदा अगर सपोज नहीं विजिबिलिटी होती है तो वो अपनी हाइट उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकता है। तो इस वक्त हम थोड़ा हाईवे पे आगे बढ़ते हैं, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। तो इसमें आपको 2 मोड्स देखने को मिलते हैं, तो जैसे नेक्सॉन थी उसमें आपको 3 मोड्स थे, इसमें आपको तीसरा मोड जो हटा दिया गया, बट इसमें आपको इको मोड एंड सिटी मोड, जो नॉर्मल जो मोड होता है वो सिटी मोड होता है, बाकी आप इसमें इको मोड भी कर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ इको मोड ऑन करके। इकोनॉमी ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। तो जैसे कि देख सकते हैं जब इकोनॉमी ड्राइव मोड आप एक्टिवेट करते हैं तो एक पूरा अच्छे से आपको साउंड आ जाती है। ट्रांसमिशन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ये मैनुअल 5 gear में देखने को मिलेंगे, इसमें आपको जो ऑटोमेटिक वेरिएंट है वो भी आ जाता है। तो जब वो भी हमें टेस्ट ड्राइव के लिए मिलेगा तो मैं श्योर उसकी भी वीडियो बना दूंगा। तो इस वक्त काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है एंड ब्रेकिंग भी इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। एंड ब्रेकिंग ट्रैक्शन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ABS एंड EBD देखने को मिल जाता है। तो टायर्स जैसे कि मैंने को बताया इसमें आपको 16 inches के अलॉय व्हील्स देखने को मिलते हैं इस वेरिएंट में।
एंड जैसे कि आपको पता ही है ग्लोबल एनकैप ने इसको 5-स्टार रेटिंग दी है। एंड बात करें इसके एयरबैग्स की तो यहाँ पे हमें 2 एयरबैग देखने को मिल जाते हैं, को पैसेंजर साइड एंड ड्राइवर साइड। तो गाइस इसकी अगर टच स्क्रीन की बात की जाए तो यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि आपको रेडियो का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको ऑटो एंड एप्पल कार पे जो आपको वाइड देखने को मिलता है, तो इसमें आपको बहुत सारे थीम्स जो होते हैं वो देखने को मिल जाएंगे। जिस वक्त आपको ब्लू थीम दिख रहा है तो अपने हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है इसमें। तो ये रही इसके नीचे के एसी के वेंट्स, जैसे कि देख सकते हैं। इंटीरियर कलर्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको ड्यूअल टोन इंटीरियर कलर्स में आ जाती है, ब्लैक एंड थोड़ा वाइट कलर में है। एंड एक्सटीरियर डोर हैंडल्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको मेटालिक फिनिश में आते हैं, तो पियानो फिनिशिंग नहीं है इसमें, इसमें आपको इन्होंने मेटालिक फिनिश ही दी हुई है। एंड इस वक्त विजिबिलिटी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो ट्रैफिक सिचुएशंस में भी आप इसको आराम से चला सकते हैं। तो इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर की बात की जाए तो यहाँ पे आपको डिजिटल एंड एनालॉग दोनों देखने को मिल जाएगा, काफ़ी ज़्यादा स्पोर्टी लुक भी दे देता है। इसमें आपको टकोमीटर वो आपको यहाँ पे डिजिटल देखने को मिलेगा, एंड जो स्पीडोमीटर वो आपको यहाँ पे एनालॉग देखने को मिल जाएगा। आपको जो छोटी सी डिजिटल स्क्रीन है उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि डिस्टेंस टू एम्प्टी का ऑप्शन है, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी जो ये गाड़ी बता देती है, इसमें आप अपने हिसाब से क्लस्टर की ब्राइटनेस एडजस्ट कर सकते हैं। तो हेडलाइट्स की बात की जाए तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प देखने को मिल जाते हैं, DRL का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है। तो इसमें आपको आइडियल स्टार्ट स्टॉप बटन दिया जाता है, फॉलो मी हेडलैम्प्स का ऑप्शन भी अवेलेबल हो जाता है यहाँ पे। तो पीछे आपको रेयर डिफॉगर्स का ऑप्शन भी अवेलेबल है, तो आप वो वहाँ पे जाकर कर सकते हैं। ये रहा टाटा पंच क्रिएटिव 1.2 का फुल डिटेल रिव्यू, एंड मैंने आपको उसकी स्पेसिफिकेशन भी बता दी हैं। ये एक ड्राइविंग टेस्ट था, तो जैसे कि देख सकते हैं सिटी मोड में भी हमने ड्राइव किया एंड हाईवे पे भी ड्राइव किया, एंड आप देख ही सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है। आप भी आके एक बार इसकी टेस्ट ड्राइव लीजिए एंड एक्सपीरियंस कीजिए। तो जल्दी से जल्दी बुक करवाइए हमारे साथ, हैव अ नाइस डे।